Hello children, so and today we are going to starting our maths class. So last time I told you already about some topic, rational numbers. So this is introduction part. So today we are learned about simplest rational number. So what is simplest rational number? We are going to discuss about this. So please kindly listen to me. Like 15 by 12, this is a rational number. 15 by 12 is a rational number. We are called standard form also. Let's start solving. 15 को कट करने के लिए हमें सेम नंबर का यूज़ करना है, जिससे ये 15 और 12 डिविजिबल हो. तो हम एक ही नंबर लेंगे जो दोनों नंबर को डिविजिबल करे. सेम नंबर क्या होगा? 3. लाइक 15 बाय 15 3 का टेबल में आता है, 12 भी 3 का टेबल में आता है. तो हम इसको 5, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12. तो ये हो गया सिंपलेस्ट रैशनल नंबर एंड वी आर कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म आल्सो. वी टेक वन मोर एग्जांपल लाइक 50. ये हमने एक दूसरा और एक एग्जांपल ले लिया जिसको हम सॉल्व करेंगे, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करना है अभी आप ध्यान से सुनो. अब इसको 2 से कट होगा, लाइक दोनों नंबर 2 से कट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा 20. 2 2 जा 4 और 2 20 जा 40 एंड 50. 2 2 जा 4 एंड 1 यहाँ आ जाएगा तो 2 5 जा 10. तो यहाँ आ गया 25. अभी भी ये नंबर अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ है, ये फिर से कट होगा. तो इसको फिर से कट करने के लिए हम सेम नंबर फिर से वही सेम नंबर लेंगे, लाइक 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. नाउ दिस इज़ ए स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म. नेक्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन आवर नेक्स्ट टॉपिक. Our next topic is rational number between 2 rational number. नाउ अब हम नेगेटिव नंबर्स लेंगे, लाइक -4 बाय -4 बाय 5 एंड -2 बाय 3. तो ये हो गया हमारा 2 रैशनल नंबर. ये 2 रैशनल नंबर हमने ले लिया. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें भी सेम नंबर लेना है. और इसमें वन मोर थिंग यू रिमेंबर
कि ये जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर हमारा सेम होना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा सेम आ जाएगा। माइनस फोर बाय फाइव और थ्री से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ट्वेल्व फिफ्टीन। अब दूसरा को करेंगे माइनस टू बाय थ्री मल्टीप्लाई फाइव, फाइव से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा चेंज सेम आ जाएगा दोनों का और ये आ जाएगा माइनस टेन। अब इसको हम माइनस माइनस फिफ्टीन बाय ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो हम इसको माइनस डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया। अब डिनोमिनेटर हम इसको बड़ा भी ले सकते हैं। बड़ा कैसे ले सकते हैं, लाइक इसका साथ अगर हम सिक्स मल्टीप्लाई करें तो थर्टी आ जाएगा। सिक्स मल्टीप्लाई करने से हमारा थर्टी आ जाएगा और उसे भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइव हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थर्टी आ जाएगा एंड माइनस ट्वेंटी। सेम नेक्स्ट टाइम ऑल्सो माइनस टू बाई थ्री मल्टीप्लाई सेम नंबर से हम करेंगे टेन टेन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वेंटी और यहाँ आ गया थर्टी। सॉरी यहाँ पे 24। ओके तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, समझ लेना।